Success comes from experience, and experience comes from bad experiences. हे मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों। तो दोस्तों, मैंने इस रिगार्डिंग पहले एक वीडियो बना के रखा था कि किस तरह से मैं अपनी वीडियोस को शूट करता हूं, और जो अभी सेकंड वीडियो बनाया है उसमें मैंने क्या क्या चेंजेस किए हैं। तो दोस्तों, मैंने अब हरा पर्दा बाय कर लिया है, ये मेरे मम्मी ने मुझे परचेज करके दिया है, और उस वीडियो के ऊपर आप सभी लोगों को बहुत प्यार मिला। उसके ऊपर हमारे ऑलमोस्ट 25,000 से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं और 2,000 से ज्यादा लाइक हो चुके हैं। तो बहुत सारे लोगों के सवाल आए हैं कि किस तरह से आप अपनी वॉइस को रिकॉर्ड करते हैं, किस ऐप में आप उसको एडिट करते हैं, अपनी वॉइस को इम्प्रूव करने के लिए आप क्या करते हैं, एंड बहुत सारी चीजें थी दोस्तों। तो मैंने सोचा क्यों ना आपकी इन सवालों का जवाब आज दिया जाए। तो दोस्तों, पहला सवाल था कि मैं किससे अपनी वीडियोस को रिकॉर्ड करता हूं। तो मेरे पास अभी Redmi Note 5 फोन है और मैं इसके फ्रंट कैमरा से अपनी वीडियोस को शूट करता हूं। और उस वीडियो में जो सबसे ज्यादा कमेंट आया था कि आपके पास तो एक और फोन है, तो उन्होंने मेरी इस डायरी को देखा था। तो दोस्तों, मेरे पास दूसरा फोन नहीं है। कई बार मैं अपने भाई का फोन लेकर अपनी जो दूसरा पोर्शन होता है वीडियोस का उसको शूट कर लेता हूं। तो ये डायरी थी दोस्तों, उसमें पूछा था कि आपके पास तो पैसे नहीं है, आपने एड्स कहां से लगवाए अपने वीडियो के ऊपर? तो दोस्तों, आपको बता दूं कि मैंने 10 दिन मजदूरी लगा के अपनी मेहनत से भरी धूप में पैसे कमाए थे, और मैंने अपने YouTube पे इसलिए लगाए क्योंकि मुझे पता है कि मैंने अपने लाइफ में कुछ करना है, और जो मैं एक अच्छा कंटेंट बनाता हूं, मैं आप सभी लोगों के पास उस कंटेंट को पहुंचाना चाहता था, इसीलिए मैंने एडवर्टाइजमेंट का यूज किया है। और दोस्तों, उस वीडियो में मुझे बहुत सारे कमेंट्स आए कि आप सिंपैथी लेकर व्यूज गेन करना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैंने आपको बता दूं कि मैंने उस वीडियो में ऐसा कुछ भी नहीं कहा था कि मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने कहा था कि मेरे पास सिर्फ ट्राइपॉड है और मोबाइल फोन है, मैं किसी भी माइक्रोफोन का यूज नहीं करता और किसी भी सेटअप का यूज नहीं करता। जो मेरे पास नॉर्मल सी चीजें हैं, मैं उन्हीं से वीडियो शूट करता हूं, और आपके पास तो जितना है आप उस चीज से शुरू कीजिए। क्योंकि मुझे पता है जब शुरू में कोई चीज हम करना स्टार्ट करते हैं तो हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास ये चीज होती तो और बेटर होता, कैमरा होता तो और अच्छा होता। लेकिन मैंने कहा था हमें जितना है हमें उसी चीज से शुरू करना है, धीरे धीरे हमें जो हमारी मंजिल है वो हमें पास में दिखती है। तो कुछ लोगों ने उसके बहुत अच्छे कमेंट किए, कुछ का बहुत ऐसे ऐसे कमेंट्स आए, तो मैं इन चीज़ों का आंसर करना चाहता था। अदरवाइज जो लोग होते हैं वो मानते नहीं हैं। तो ये था दोस्तों, और वॉइस को मैं अपने जो मेरा फ़ोन है मैं उसी में एडिट करता हूं, और जब मैं वीडियो बना रहा हूं अभी तो सिर्फ उसी में वॉइस रिकॉर्ड करता हूं। मैं किसी भी ऐप का यूज़ नहीं करता हूं अपने वॉइस को इम्प्रूव करने के लिए। और जो मेरे कमेंट्स पूछा गया था कि आप किस में अपनी वीडियोस एडिट करते हैं दोस्तों, तो मैं काइन मास्टर में अपनी वीडियोस को एडिट करता हूं, और वो पेड वर्जन था। बहुत सारे लोगों ने आया था कि आप उसका लिंक भी नीचे दे दीजिए, तो मैंने गूगल ड्राइव में उसको सेव कर लिया दोस्तों स्पेशल आप लोगों के लिए। तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां से जाकर उसको इजिली डाउनलोड कर सकते हैं काइन मास्टर को। एंड वो प्रो वर्जन है, एंड उस पर वाटर वर्क वगैरह कुछ भी नहीं आता है, तो आप वहां से उसको इजिली डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड एडिट करने के लिए दोस्तों, आपको थोड़ा सा मैं एक वीडियो बनाया है, आप उसको चेक कर लीजिएगा किस तरह से मैं अपनी वीडियोस को एडिट करता हूं। और कम्युनिकेशन स्किल्स तो आपको पता है दोस्तों कि अगर आप सच्चे दिल से बोलेंगे तो आपकी आवाज़ सभी को अच्छी लगेगी ही लगेगी। तो इसी तरह से दोस्तों, मैं अपनी वीडियोस वगैरह रिकॉर्ड करता हूं। एंड हरा पर्दा मैंने अभी 2-3 वीडियोस में बीच में यूज करके बनाया था, एंड आप लोगों को बहुत प्यार मिला वीडियोस के ऊपर कि किस तरह से आप अपने बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। फिर मैंने सेम जो मेरा बैकग्राउंड है मैंने उसमें अपने वीडियोस बनाना स्टार्ट की है। मैं ग्रीन पर्दे का थोड़ा कम यूज कर रहा हूँ, क्योंकि अगर आपकी थोड़ा लाइट वगैरह कम या ज्यादा होता है तो ग्रीन पर्दे को रिमूव करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो उसे रिगार्डिंग मैंने नॉर्मल अपने जो वॉल है उसी के ऊपर अपने वीडियो शूट कर रहा हूं। तो दोस्तों, आप अपना प्यार इसी तरह से बना के रखिए, और आपका कोई भी कमेंट है तो आप अब नीचे जरूर पूछिए, मैं आपका रिप्लाई जरूर करूंगा। एंड फाइनली थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दोस्तों।